वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन, जब हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को किसके साथ, एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए डिवाइड का साइन एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन अब क्या करेंगे हम, ये देखें इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये डिवाइडेंड है। ठीक है, ये अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको हमने अंदर रख लिया और ये हमारे पास डिवाइज़र है, इसको हम बाहर रख लेते हैं एक्स माइनस ए। अब हम सिंपल डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमने यहाँ पर क्या लेना है, तो आपने सिर्फ इसका जो फर्स्ट देखना है, इसका भी फर्स्ट देखनी है कि क्या वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, अभी सबको छोड़ दें। ठीक है, इसको भी इसको भी, सोचिए बस आपके पास ये और ये है, तो हम एक्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, किससे मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स से एक्स को, कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स है ना हमारे पास, अगर हम एक्स के से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स क्यूब आता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक्स केयर ले लेते हैं, एक्स को एक्स केयर से मल्टीप्लाई करवाने से एक्स क्यूब आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे करवाना है तो इसको बी से करवाना है, तो ए को एक्स केयर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, ए एक्स केयर, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, सिंपल डिवाइड में भी हम लोग साइन चेंज करते हैं ना, क्योंकि हमने सिंपल डिवाइड में नहीं होता, सिंपल डिवाइड में मैंने ये कहना था कि सिंपल डिवाइड में हम माइनस करते हैं, ऐसे ही जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवा के जो इधर वैल्यू लिख लेते हैं बाद में हम माइनस करते हैं। तो अलजबरा में जब हम माइनस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम टर्म्स हैं ये दोनों ही और साइन ऑपोजिट हैं, इसका कोई साइन इन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गए, इसी तरह ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये भी दोनों सेम टर्म है विद ऑपोजिट साइन, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, सिक्स एक्स, उसको उतार लेते हैं नीचे, और माइनस ए, उसको उतार लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे x है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारे पास 6x आ जाए तो 6 ले लेंगे, प्लस 6 ले लेते हैं, x को 6 से मल्टीप्लाई करवाने से 6x आता है हमारे पास। ठीक है, और a को 6 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस 6 से, ए को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6 से आ गया। इधर भी तो ऐसे किया था ना कि x को इससे करवाया था तो इसको बी एक्स स्क्वायर से करवाया था, इसी तरह हम लोगों ने क्या, इसको जब 6 से करवाना है तो इसको बी 6 से करवाना है, फिर वही बात है प्लस है तो साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन ये भी कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया लेकिन पूरा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 ए है यहाँ पे ए है, 6 ए में से ए को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ए आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज 5 ए। ठीक है, हम लोगों ने क्या रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना था ना, जब हम इसको डिवाइड करें इसके साथ, तो हम लोगों ने इसको अंदर रखा, ये डिवाइडेंड था ये डिवाइजर था, सॉल्व किया, ये जो आंसर आता है वो कोशेंट होता है, जो बच जाता है रिमाइंडर होता है, तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।